इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह डेल लैटिट्यूड E64 इस लैपटॉप में टचपैड में टू फिंगर स्क्रॉलिंग गेस्चर किस तरह ऑन कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में टू फिंगर स्क्रॉलिंग जेस्चर बंद है। मैं टचपैड पर दो फिंगर से स्क्रॉल कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये स्क्रॉल नहीं हो रहा है, ना ही हॉरिजेंटली और ना ही वर्टिकली। तो किस तरह हम टचपैड टू फिंगर स्क्रॉलिंग जेस्चर को ऑन कर सकते हैं, आइए जानते हैं। टचपैड का टू फिंगर स्क्रॉलिंग ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले टाइप हियर टू सर्च में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कंट्रोल पैनल, आपको इसे ओपन करना है। फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, आपको व्यू बाय कैटेगरी पर क्लिक करना है और फिर लार्ज आइकन सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, आपको डेल टचपैड पर क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह दिखाई देगा, आपको यहाँ पर दिखाई देगा जेस्चर, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखा रहा है स्क्रॉलिंग, ये अभी अनटिक है, ये बंद है। तो स्क्रॉलिंग ऑन करने के लिए आपको पहले जेस्चर ऑन करना पड़ेगा। अगर ये ऑफ होगा तो मैं इसे ऑन करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टू फिंगर जेस्चर है ये अनटिक है, आपको पहले इसे टिक करना है। तो ये ऑन हो गया है और यहाँ पर आप दिखा भी रहा है कि टू फिंगर स्क्रॉलिंग से क्या होता है, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली हम स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव कर लेना है और फिर क्लोज कर देना है। अब मैं दोबारा से स्क्रॉल करके देखता हूँ होता है या नहीं। तो मैं टचपैड पर दो फिंगर रख रहा हूँ और आप देख सकते हैं अब ये स्क्रॉल हो रहा है, ये हॉरिजेंटली, और अब मैं वर्टिकली स्क्रॉल करता हूँ तो ये वर्टिकल भी स्क्रॉल हो रहा है। इस तरह आप टू फिंगर स्क्रॉलिंग जेस्चर ऑन कर सकते हैं लैपटॉप में।